नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स न्यूज। मैं हूं रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, पूरे देश में आज से नया आपराधिक कानून लागू हुआ है, जिसे वैशाली में भी लागू किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए वैशाली के एसपी श्री हर किशोर राय ने बताया कि यह कानून जनता के हित में है। इससे जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है। यह पुराना कानून था, आज़ादी के बाद यह पहली बार इसे नए स्वरूप में लागू किया गया है। आप खुद सुनिए श्री राय ने क्या कहा। तो क्या है वो नया कानून? आज 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें कि वैशाली जिला में भी हम लोग नए आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई रात के 12 बजे से ही चालू कर दिए हैं, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नए आपराधिक कानून में इम्पोर्टेंट है, जो नागरिकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कानून जो बना है भारतीयता के आधार पर बना हुआ है। पूर्व का जो कानून था हमारा सीआरपीसी, वो जब ब्रिटिश पीरियड था उस समय का बना हुआ कानून था। उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेज आए थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन एक जो कंबाइंड कानून जो होता है वो पहली बार आज़ादी के बाद बन के आज से लागू हुआ। इसमें 3 जो एक्ट हैं, इम्पोर्टेंट एक्ट जो लागू किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता है जो आईपीसी को रिप्लेस कर रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो पहले से सीआरपीसी चल रही थी उसको रिप्लेस कर रहा है, और तीसरा जो हमारा है इंडियन एविडेंस एक्ट पहले चलता था उसकी जगह पे हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं, जिसके तहत जो किसी भी आपराधिक घटना में जो साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किया जाता है उसकी क्या वैल्यू है और उसका ट्रायल के दौरान क्या इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के इसमें विस्तृत डिटेल दिया गया है। तो ये नए कानून लागू हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस नए कानून से हमारे नागरिकों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी,